subscribe my channel for latest update and press bell button for getting notification from Neha's Creativity. Hello friends, welcome in Neha's Creativity. Good morning. Actually, काफ़ी लोगों ने request किया था कि मैं अपना पूरा दिन अनमित के साथ कैसे spend करती हूँ और पूरे दिन का काम और अपने videos का काम कैसे पूरा दिन manage करती हूँ. तो आज मैं आपके साथ वही share कर रही हूँ. आज है Monday. तो अभी मुझे उठने में आज actually थोड़ा late हो गया है. Already it's 7. क्योंकि अनमित पूरी रात बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था. वो सो नहीं पाया ढंग से, तो सुबह को सोया वो 5 बजे. तो तभी मैं थोड़ा सा उसके साथ सो गई थी और मैं अभी उठ के आई हूँ. तो अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि वो उठ के आ जाएगा. तो अभी देखिए यहाँ पे अभी भी कितना अंधेरा है बाहर. तो यहाँ पे उजाला बहुत देरी से होता है. तो अभी मेरा टाइम मॉर्निंग का टाइम तो काफ़ी बिजी रहता है क्योंकि मुझे सौरभ के लिए लंच भी प्रिपेयर करना होता है. मैं सब कुछ सुबह को फ्रेश प्रिपेयर करती हूँ. मैं अगर कोई बहुत स्पेशल बना लाइक कुछ भी पनीर का सब्ज़ी रात में या कुछ, तो वही लंच में देती हूँ. वैसे भी यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा ही रहता है तो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं. तो अभी मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ उठकर, तो वही पीऊँगी और अपने लिए चाय बनाऊँगी. तो अभी स्टार्ट करते हैं मेरे आज के डे की जर्नी. मैं किचन में आती हूँ तो सबसे पहले अपना पानी गर्म होने के लिए रखती हूँ इलेक्ट्रिक केटल में, और पानी को थर्मस में भर के रख लेती हूँ जो मेरा दिन भर थोड़ा काम आता है. क्योंकि मुझे अपना पानी पीने का हैबिट भी थोड़ा डेवलप करना है क्योंकि मुझे किडनी स्टोन है और मुझे पानी पीने का उतना आदत नहीं है. तो मैं अपना पानी पीने का आदत डेवलप कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने अपना हैबिट बनाया है कि मैं थर्मस में पानी भर के रखती हूँ और उसको दिन में भी वापस अगर ज़रूरत पड़ता है तो वापस भर लेती हूँ. और फिर मैं चाय चढ़ाती हूँ और मेरा रात का जितना मेरा यूटेंसिल रहता है जो मैं रात में क्लीन करके रखती हूँ वो सब सुबह तक सूख जाता है, तो उनके उनके प्लेस पर अरेंज करती हूँ. और चाय के साथ साथ ही मैं अनमित का पॉरेज भी तैयार करती हूँ क्योंकि वो भी सुबह जल्दी उठ जाता है और रात को वो ढंग से कुछ ऐसा खाता नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा पॉरेज बनाती हूँ और साथ साथ ये सब काम करते रहती हूँ. मैं रात में ही डिसाइड करके सोती हूँ कि मुझे सुबह को लंच में क्या प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर मैं एक बार डिसाइड कर लेती हूँ तो मेरे लिए लंच प्रिपेयर करना ज़्यादा ईजी हो जाता है. तो बस मैं चाय पीते पीते भिंडी कट कर लूँ क्योंकि मैंने रात में सोचा था कि मैं भिंडी बनाऊँगी और मैंने इसको रात को ही वॉश करके रख दिया था. मैं बस अभी अपनी सब्ज़ी कुक कर रही हूँ और सब्ज़ी कुक होती रहेगी तो पैरेलली मैं दाल भी तैयार करूँगी, क्योंकि दाल मैं यूजुअली मॉर्निंग में ही तैयार करती हूँ. रात में मैं हम लोग यूजुअली दाल नहीं खाते हैं, बहुत रेयर होता है कि हम लोग रात में दाल खाते हैं. तो बस इसके साथ साथ ही मैं आटा तैयार करूँगी और जब तक मेरा भिंडी और दाल तैयार होएंगे तो तब तक मेरा रोटी भी तैयार हो जाएगा. मेरा सब खाना बन गया है तो मैं साथ के साथ ही यहाँ पे क्लीनिंग कर देती हूँ तो मुझे इजी रहता है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मेरा जितना काम सौरभ के सामने हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि अनमित को संभालने में फिर मुझे आराम हो जाता है. तो मैं अभी यहाँ पे सब सफाई करके और बर्तन वगैरह क्लीन करके सब छोड़ देती हूँ इस समय तक. किचन का काम करने के बाद मैं रूम में आ गई हूँ और अभी मैं रूम को थोड़ा अरेंज कर रही हूँ, रूम की बेडशीट वगैरह सब ठीक कर लूँगी. और एक्चुअली वैसे तो मैं अनवित को टोडलर ग्रुप से आने के बाद ही नहलाती हूँ, बट अनवित ने आज एक्चुअली जल्दी पूप कर लिया और काफ़ी गंदा कर लिया था, तो मैंने सोचा कि इस बीच इसको नहला ही देती हूँ. तो बस मैंने उसको अभी नहलाया और मैं फटाफट अभी अपना रूम अरेंज कर रही हूँ. तो फ्रेंड्स अभी 9:30 हो गया है और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ. एक्चुअली पहले मैं लेट ब्रेकफास्ट करती थी, उससे मेरे को थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा था, मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था. लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा अपना हैबिट चेंज किया है. मैं पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ फिर उसके बाद थोड़ा काम करती हूँ. मैंने ऑलरेडी मेरा किचन का काम तो सब हो गया है. मैं किचन के यूटेंसिल्स वगैरह सब हाथ के हाथ ही क्लीन कर देती हूँ जब मैं अपना खाना वगैरह बनाती हूँ. तो सौरभ ऑलरेडी ऑफिस जा चुके हैं तो अभी मैं नाश्ता करूँगी. फिर अनमित का एक्चुअली सुबह को जल्दी जग जाता है तो अनमित को अभी सोना होगा, तो उसको 10 और 15 मिनट में नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सुलाऊंगी, तब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी. और आज एक्चुअली अनमित का टॉडलर नहीं है तो इसलिए मुझे घर की थोड़ा डिटेल सफाई करनी है. यस
थोड़ा डिटेल सफाई करनी है एक्चुअली घर पे, मॉप करूंगी और रूम तो मैं एवरीडे करती हूँ बट मॉप मैं 2 डेज करती हूँ, मैं मंडे को और वेडनेसडे को, क्योंकि इन 2 दिन टॉडलर नहीं होता है, मैं बाकी के 3 डेज टॉडलर जाती हूँ तो मुझे घर का काम थोड़ा फटाफट करना पड़ता है, तो मैं घर पे और दिन सिर्फ झाड़ू कर देती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी मैं बस अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ क्योंकि अनमित मेरा वेट कर रहा है, उसको फिर मेरे को सुलाना है। ब्रेकफास्ट में मैं जमे खा रही हूँ एक्चुअली, हमारे यहाँ को जमे बोलते हैं बट काफी लोग इसको सेवैया का उपमा भी बोलते हैं, तो मैं मेरे को एक्चुअली ये खाना काफी पसंद है तो ब्रेकफास्ट में मैं वही खा रही हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए नमकीन सेवैया, तो मैं इसका बहुत जल्दी ट्यूटोरियल भी डालूंगी इसकी रेसिपी का, तो होप आपको पसंद आएगा। तो शायद काफी लोगों को पता भी है कि इसको सेवैया का उपमा बोलते हैं। इस समय तक आते आते मैं काफी थक जाती हूँ क्योंकि सुबह उठती हूँ फिर सब काम करती हूँ, तो डस्टिंग का काम मैंने ऑलरेडी कर दिया है क्योंकि वो मैं कोशिश करती हूँ काफी काम की मैं सौरभ के सामने निपटा लूँ क्योंकि थोड़ा अनमित के साथ मैनेज हो जाता है, इसलिए सुबह का टाइम मेरा थोड़ा ज्यादा बिजी रहता है और मंडे ट्यूसडे को एक्चुअली थोड़ा सा मतलब डिपेंड करता है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं अनमित के साथ। तो अभी मैंने थोड़ा ब्रेकफास्ट का ऐसे रूटीन बनाया है, तो मैं पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ फिर उसके बाद मोपिंग एंड ग्रूमिंग करती हूँ, लेकिन उससे पहले पहले मैं सब काम करके फिर ब्रेकफास्ट करती थी, तो मेरा ब्रेकफास्ट 11:30 और 12 ऐसे हो जाता था। मेरे को थोड़ा अपना वेट का भी ध्यान रखना है तो वही आजकल मैं सब ऐसे मैनेज कर रही हूँ, तो काम कितना भी करूँ मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ बट मेरा वेट उतना कम नहीं होता है, इवन मैंने जिम भी ज्वाइन किया है तब भी पता नहीं। यहाँ का वेदर बहुत ऐसे रहता है, मतलब बहुत ज्यादा सनी नहीं रहता है तो हमेशा ऐसे डल डल सा वेदर रहता है जिसके कारण घर पे भी बहुत कम रोशनी रहती है। अभी भी इस रूम में मतलब मेरी किचन में अभी 2 लाइट्स ऑन है लेकिन तब भी मतलब थोड़ा अंधेरा सा रहता है क्योंकि बाहर उतना अच्छा नहीं है वेदर। अनमित नींद से काफी क्रैंकी था तो मैंने अभी इसको सुला दिया है और मैं अभी घर की सफाई करने के लिए जा रही हूँ। बस फाइनल अब बाथरूम क्लीन करने के बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी और मेरा सब काम अभी हो गया है। फाइनली घर क्लीन हो गया है और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। एक्चुअली मेरा नहाना भी हो गया था और अनमित भी तभी सो के उठ गया था, फिर मैंने इसको थोड़ा सा कुछ खिलाया। एक्चुअली हम लोग पहले ही बाहर जाने वाले थे, मुझे अपने लिए क्राफ्ट का कुछ सामान लेना था, कुछ डेकोरेट करने का मन था। एक्चुअली ये थोड़ा सा मेरे पास फ्री टाइम रहता है 1-1.5 घंटे का जिसमें मैं थोड़ा सा अपना जो भी मुझे पसंद आता है मैं अपना वो काम कर लेती हूँ। तो लेकिन मुझे तभी हॉस्पिटल से लेटर आया है कि मेरे एक्चुअली कुछ ब्लड टेस्ट हुए थे जिसमें पता चला कि मेरे को फॉलिक एसिड और आयरन का कुछ डेफिशिएंसी है, उसके लिए मुझे मेडिसिन लेके आना है। यहाँ पे जनरल प्रैक्टिस क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पे मुझे प्रेस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, अपने क्राफ्ट का सामान भी ले आऊंगी, तो बस मैं वहाँ जा रही हूँ अभी और वहाँ से आने के बाद बस फिर मुझे अनमित के लिए थोड़ा सा कुछ प्रिपेयर करना रहेगा, तो अभी मैं होके आती हूँ वहाँ पे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। मैं भी बाहर से आ गई हूँ, मुझे अपना प्रेस्क्रिप्शन और जो मुझे क्राफ्ट का सामान करना था सब काम करके आ गई हूँ और अनवित के लिए मैं अभी खिचड़ी तैयार कर रही हूँ। मेरा लंच तो सुबह ही तैयार हो जाता है, बस वही गर्म करूँगी और हम लोग लंच करेंगे। लंच करते हुए मैं अपना फेवरेट कुछ भी लैपटॉप में लगा लेती हूँ और वो देखते देखते लंच करती हूँ। मेरा लंच हो गया था और अभी मैं अनवित के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, उसके साथ खेल रही हूँ, फिर इसको सुलाने के बाद मैं अपना थोड़ा सा क्राफ्ट का काम कर लेती हूँ, इससे मुझे अच्छा लगता है। मुझे दिन में सोने का हैबिट नहीं है तो मैं अपने टाइम पास के लिए कुछ भी कर लेती हूँ।
तो अभी 5:30 हो गया है, मैं आ गई हूँ किचन में और मैं अभी अपने लिए बनाऊंगी चाय और शाम के डिनर की तैयारी करूंगी। आज मैं डिनर में बना रही हूँ पत्ता गोभी और मटर और मल्टीग्रेन रोटी। तो बस फटाफट मैं चाय बनाऊंगी और सब्जी चॉप करूंगी और डिनर प्रिपेयर करूंगी। तो बस फ्रेंड अभी सौरभ ऑफिस से आ गए हैं और इट्स ऑलरेडी 6:45 हो गया है। मैं जा रही हूँ अभी वर्कआउट करने के लिए और मेरा डिनर भी रेडी है, सब्जी और आटा लगा दिया मैंने मल्टीग्रेन। तो अभी फिर मैं आज का व्लॉग समाप्त कर रही हूँ इसी के साथ। तो होपफुली आपको पसंद आएगा कि मेरा दिन भर का रूटीन कैसे रहता है। तो बस मैं जिम से आऊँगी और डिनर करूँगी और उसके बाद अपना जो मेरा व्लॉग एडिटिंग रहता है सब रहता है वो मैं रात को ही करती हूँ, क्योंकि दिन भर मुझे ऐसे अनवित के साथ टाइम नहीं मिलता है। तो अभी मैं जा रही हूँ जिम के लिए, तो आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।